सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T3 अल्ट्रा 5G डिवाइस के अंदर आपने फ़ोन के अंदर डायरेक्ट वीडियो कॉल सेटिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस, आप विदाउट व्हाट्सएप के किसी को वीडियो कॉल करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। वेल, उसके लिए आपने फ़ोन डायलर को ओपन करना है। इस तरीके से डायलर का होम एंटर डैशबोर्ड मिलेगा, जहाँ पर 3 डॉट पर जाना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है, कॉलिंग अकाउंट्स पर जाना है एंड यहाँ पर चूज़ करना है सिम कार्ड्स। जैसे कि मेरे केस में एज अ डेमो मैं सिम 1 को चूज़ करता हूँ एंड टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग का एक ऑप्शन होगा। अगर ये डिसेबल्ड है तो आप इसको इनेबल करेंगे और आपके फ़ोन के अंदर वीडियो कॉल ऑन हो जाएगा। अब इसको यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन के अंदर जियो का सिम कार्ड्स लगा होना चाहिए। मे बी एयरटेल पर भी काम करता है बट VI का फ़ोन यूज़ कर रहे हो सेटिंग्स जो भी सिम कार्ड्स वगैरह तो आप उसमें नहीं यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले गूगल डायलर की खासियत ये है कि इसके अंदर अगर नंबर सेव नहीं है तो वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आता। अभी जो नंबर सेव है उस पर प्रेस करेंगे तो वीडियो कॉल का ऑप्शन लेफ्ट साइड में आ रहा है। इसको प्रेस करके आप इस नंबर पर वीडियो कॉल मैं कर सकता हूं। तो आप भी अगर कोई नंबर सेव करते हैं उस पर वीडियो कॉल का ऑप्शन विजिबल होगा, देन उस पर आप लगा सकते हैं। बट वो नंबर 0 to 0 होना चाहिए या फिर Airtel to Airtel एक बार ट्राई करना, मे भी शायद काम करता है। बट अगर आप वोडाफोन आइडिया का कोई सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस पर डायरेक्ट वीडियो कॉल काम नहीं करता। तो इस तरीके से आपने फ़ोन के अंदर डायरेक्ट वीडियो कॉल का एक्सेस कर सकते हैं।